हेलो गाइस एंड वेलकम टू वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव फैक्ट्री। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग पहली जंग अजीम के बारे में वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों पहली जंग अजीम कब लड़ी गई, क्यों लड़ी गई और इस जंग ने खौफनाक रूप क्यों धार लिया और इस जंग में कितने ममालिक ने जंग लड़ी, कौन जीता कौन हारा, सब कुछ इस वीडियो के तफसील के साथ बताऊँगा मैं। तो माज़िज नाज़रीन, पहली आलमी जंग 20वीं सदी का बड़ा और पहला अजीम बैन अल-अक़वामी बड़ा तनाज़ा था। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जंग सिर्फ दो कत्ल मतलब दो अमवात की वजह से लड़ी गई और इस दो कत्ल ने आलमी जंग की बुनियाद डाल दी। ये कत्ल 28 जून 1914 ईस्वी को सरायो में तजद हैब्सबर्ग के वारिस शहजादा प्रांड प्रेंडेंट और इसकी बीवी शहजादी सूपी की कत्ल ने इस जंग की इब्तिदा की, जो अगस्त 1914 में शुरू हो गई और अगली चार दिहाइयों तक मुख्तलिफ महाजों पर लड़ी गई। पहले जंग अजीम के दौरान इतिहादी कुवतें बरतानिया, फ्रांस, सीरबिया और रूसी बादशाहत ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर मुश्तमिल मरकजी कुवत के खिलाफ जंग लड़ी और बाद में सल्तनत उस्मानिया और बगारिया भी शामिल हो गई और बाद में नाजरीन इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया, मुत्तहिदा अमेरिका भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ खड़े हो गए। माज़िज़ नाजरीन, लड़ाई इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो गई जब लड़ाई एक इंतहाई जंगी और हंदकों की जंग जैसी शक्ल इख्तियार कर गई। खास तौर पर मगरबी महाज पर हंदकों और किला बंदियों का सिलसिला 475 मील तक फैल गया था। तकरीबन शमाली समंदर से स्विस सरहद और बिशर शमाली अमेरिका और मगरबी यूरोप की जंगजू के लिए जंग की समत मतयन हो गई। मशरकी महाज पर वसी तर इलाके की वजह से बड़े पैमाने की हंदकों की लड़ाई मुमकिन ना रही, लेकिन तनाज़ की सतह मगरबी महाज पर ही थी। शमाली इटली, बलकात और सल्तनत उस्मानिया के तुर्कों में भी शदीद लड़ाई हुई। लड़ाई समंदर के अलावा पहले मरतबा हवा में भी लड़ी गई। पहली जंग अजीम में अमेरिका की शमूलियत अप्रैल 1917 ईस्वी में फैसला कुन फैसला था और ख़तरनाक तरीन फैसला था। दोस्तों जब जर्मनी की गैर महदूद अबरोजी जंग की पॉलिसी ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को गैर जानिबदाराना हालत से जंग बीज ला कड़क कर दिए और फिर अमेरिका ने जर्मनी के बंदरगाहों में सख्त नाकाबंदी की और ताज़ा पाउच बिल्कुल असलहे से लैस पाउच जर्मनी के बंदरगाहों में ला कड़क कर दिया और मजीद कशीदगी बढ़ गई। जब जंगी मजीद बढ़ गई और रूस भी इस जंग की बहरान की कबियत में रहा और 1917 ईस्वी की इब्तदा में इतिहादी कुवतों का अहम रुकन रूस भी इस जंग में शामिल हो गया और जब मौसमी गर्मा के महीनों में के दौरान जंग के बायस बिगड़ते इक्तिसादी हालात की वजह से रूस मुलाजमीन फौजी और सिलर्स पसदात पर उतर आए। ये पसदात जुलाई के दिन से मशहूर है और माजिज नाजरीन 25 अक्टूबर में 1917 ईस्वी को विलायती मेरलैंड के तहत बलशवीक की फौजों ने अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिए और कसरे सद यानी वेंटेड पर हमला कर दिया। इसके बाद बलशवीक ये है कि बरसर इकतदार आ गए। अजीम इश्तराकी इनकलाब अक्टूबर तारीख में पहले कामयाब मार्कसी इनकलाब ने गैर मुअसर और बुरी हुकूमत के कदम उकाड़ दिए और बला आहिर लेनिन की जेर क़यादत इश्तराकी स्वीत जमहूरिया स्वीत यूनियन कायम हुआ। जंग के बाद के सालों में नई स्वीत रियासत की समाजी, सियासी, इक्तिसादी और ज़री बुनियादी असलाहत ने मगरबी जमहूरियत हुकूमतों को भी चैन कर दिया, जिनको यूरोप भर में इश्तराकियत फैल जाने का खतरा इतना महसूस होने लगा कि 1920 ईस्वी और 1930 ईस्वी की हुकूमतें दाएं बाजू की हुकूमतों के साथ समझौता करने को तैयार हो गई। मगर यूरोपीय स्टेज में रूसी इनकलाब का असर रूसी सरजमीन में एक सपाकाना और तवील हाना जंगी 1917 से 1922 ईस्वी की लिए नई बलशवीक की क्यादत की और जर्मनी की कैसर के साथ अमन कायम करने का नतीजा था। जब मराकिजात मुज़ाकिरात जर्मन मुतालिबात पर पूरी नहीं उतरे तो जर्मन फौज ने तमाम इम्कानी कुवत और महिया वसाइल के साथ मशरकी महाज पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 6 मार्च 1918 ईस्वी को ब्रेस्ट लिस्ट का माहिदा वजूद में आया और फिर दोस्तों इतिहादी कुवतों की पेशकदमी और फिर हथियार डाल दिए उन्होंने। 1918 ईस्वी के मौसमी सरमा के आखिर में बलशवीक रूस को जंग से निकालने में जर्मनी की कामयाबी और मौसमी गर्मा में पेरिस के दरवाज़ों तक पहुंचने के बावजूद
इतिहादी फौज ने मारेन दरिया के किनारे पर जर्मनी पोन पर हमला कर दिया और उसे पसपा कर दिया। वो 1918 ईस्वी की मौसमी गर्मा और हजान की महीनों 100 दिन की जारहाना हमले में मगरबी महाज पर जर्मनों के खिलाफ मुसलसल पेश कदमी करते रहे और बाद में कुवतों ने हथियार डालना शुरू कर दिया। पहले बल्गारिया ने सितंबर में और फिर सल्तनत उस्मानिया में अक्टूबर में हथियार डाल दिया और फिर उसके बाद 3 नवंबर में ऑस्ट्रो हंगरियन फौज ने इटली में पड़ाव के करीब जंग बंदी की माहिद पर दस्तखत कर दी, मतलब इसके बाद जंग नहीं करेंगे। इसके बावजूद जंगबंदी के बावजूद 1919 ईस्वी में जर्मनी ने पहली जंग अजीम में हार गया, पहले जर्मनी हार गया इसमें। और इस जंग अजीम में मुतहदा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर इतिहादी ममालिक ने शिकस्त खोरा जर्मनी पर सजा के तौर पर इलाकाई फौजी और इकतसादी पाबंदियाँ आहद कर दी। मगरब में जर्मनी ने फ्रांस को एलिस लोरिन लौटा दिया जो 40 बरस से ज़्यादा जर्मनी के कब्जे में रहा। इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ और दोस्तों 9 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी की फौज के सरबराह शाहिनशाह कैसर विलियम ने जर्मनी का तख्त छोड़ दिया और आखिरकार ये जंग 11 नवंबर 1918 ईस्वी की सुबह 11 बजे मगरबी महाज पर जंग बंद हो गई। इस ज़माने के लोग इस जंग को जंगी अजीम के नाम से मंसूब करते हैं, लेकिन इस जंग की असरात बैन अल-अक़वामी सियासी, इक्तिसादी और समाजी हलकों में आने वाली कई दिहाइयों तक जारी रही। और दोस्तों आप लोगों को बताता चलो को इस जंग में कितने नुकसान हो गए वो सब बताते चले आप लोगों को इस वीडियो में। दोस्तों इस जंग में तकरीबन 1 करोड़ फौजी हलाक हुए। 1 जुलाई 1916 ईस्वी को एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा हलाक हो गए फौजी, ये एक रिकॉर्ड है। इसमें बरतानी 57,000 फौजी मारे गए। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान रूस और जर्मनी को उठाना पड़ा। जर्मनी की 17,73,700 और रूस की 17,00,000 फौजियों की हलाकत हुई। और इस जंग में गैर फौज लोगों की तादाद 1 करोड़ थी, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा मारे गए जो आम लोग होते हैं, और करोड़ों लोग बेघर हो गए। और सबसे ज़्यादा सन्नतों और जायदादों का नुकसान फ्रांस और बेल्जियम को करना पड़ा। तो दोस्तों ये थी कुछ जंग अजीम, पहली जंग अजीम की कुछ इन्फॉर्मेशन, सोच आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप लोगों को दूसरी जंग अजीम के बारे में ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही मतलब सुनना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँच जाए। वो इंशाल्लाह तकरीबन 3 दिन में अपलोड कर दूँगा। और इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।